गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज द सेकंड क्लास ऑफ दिस चैप्टर दैट इज द जर्मिनेट एंड मोशन. एंड यस्टरडे वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी एंड द टाइम. सो नाउ वी हैव टू स्टडी यूनिट. यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट इज इन प्रीवियस क्लास ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द यूनिट दैट व्हाई द यूनिट इज इम्पॉर्टेंट. यूनिट इज रियली इम्पॉर्टेंट टू शो any amount, any numerical value of any object or events in a special way, in a perfect value, you can say. So now, measurement, we have to understand unit and then type of unit. So this first topic, that is types of unit. Actually, in earlier times, there are, till now, there are four units already we have to study. That is number one, MKS. Number two, that is FPS. Number three, CGS. And the last one, that is SI. Relation. MKS, it means full form, that is meter, kilogram, second. Same as FPS, the full form have foot, pound and second. CGS, centimeter, gram, second. And in SI, first we have to understand where the MK is generally in use. Actually, MKS is of France. It means MKS जो unit है वो एक जमाने में केवल फ्रांस में यूज होता था या फिर फ्रांस के अधिपत्य राज्य या फिर किसी देश में. It means MKS belonging from France. While FPS, foot, pound, second. Foot, pound, second belonging from England. England के द्वारा किसी भी देश में जो राज्य किया गया उस राज्य में या फिर इंग्लैंड में एक समय में आज से बहुत साल लगभग सैकड़ों साल पहले FPS यूज होता था. इसका फुल फॉर्म फुट, पाउंड और सेकेंड होता है. CGS, फुल फॉर्म सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड. ये इंडिया का, ये अपने देश का. बट इसके कारण, इसका मतलब है कि लेंथ, लेंथ मापने के लिए जहां फ्रांस में मीटर यूज होता था, इंग्लैंड में फुट, इंडिया में सेंटीमीटर, वहीं पे इसी मास को वजन करने के लिए फ्रांस में केजी, इंग्लैंड में पाउंड और इंडिया में ग्राम. समय को नापने के लिए, समय को जानने के लिए हम सेकेंड का यूज करते हैं. धीरे 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 इन चीजों में बदलाव आए. 1931 फ्रांस के पेरिस में एक समझौता हुआ जहां पे सारे लोग, यानी कि जितने भी डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री एक जगह मीटिंग करके उन्होंने ये डिसाइड किया कि पूरे वर्ल्ड में केवल एक ही यूनिट पर रखना है. उसी को हम लोग एसआई करते हैं, जो कि इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट. इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट. अब स्टैंडर्ड यूनिट में आखिर यूज क्या किया जाए? किसी भी वजन को मापने के लिए, लेंथ को नापने के लिए, समय को नापने के लिए उनको क्या करें? तो एक्चुअली ये फ्रांस में समझौता हुआ था, पेरिस में, जिसको हम पेरिस समझौता भी कहते हैं. वहां पे फ्रांस में जो चीज यूज हुआ करता था उसी चीज को इसमें मान्यता प्रदान की गई. तो हम लोग जब कभी भी पूरे वर्ल्ड में किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में अगर मुझे किसी भी चीज की लंबाई नापने की बात आती है तो वहां पर हम लोग मीटर का यूज करते हैं. एंड फॉर मास किलोग्राम, एंड फॉर टाइम सेकेंड. सो नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टू यूज एसआई मिनट ऑफ समथिंग, एसआई मिनट ऑफ सेकंड, एसआई मिनट ऑफ
distance, assignment of speed, assignment of time. So we have to use assignment because it is valuable for rule number one. But these three in earlier time or the special country किसी खास देश में ही यूज होता था, इसलिए हम लोगों ने एक डिसीजन, हम लोगों ने या फिर उस समय की सरकार, उस समय की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल मार्केट में मुझे सिर्फ और सिर्फ एसआई यूनिट का ही यूज करना। आई होप आप समझ गए होंगे टाइप्स ऑफ यूनिट। नाउ एसआई यूनिट मींस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट मींस पूरे वर्ल्ड में मुझे लंबाई मापने के लिए मीटर, वहीं पे वजन नापने के लिए किलोग्राम और टाइम नापने के लिए सेकंड की जरूरत है। इसके आगे एसआई यूनिट को और भी डिस्क्राइब किया गया है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टॉपिक फॉर अंडरस्टैंडिंग द यूनिट There are some basic units which can help to understand unit. Some basic unit. Length को जब भी आप मापते हैं इसका ऐसा यूनिट मीटर। वहीं पे मास की बात करते हैं केजी। टाइम की बात करते हैं सेकेंड। इलेक्ट्रिक करेंट की बात करेंगे एम्पियर। ये सब एक एग्जांपल है, इन सब चीज को हम एसआई यूनिट के तौर पे, इट मीन्स अगर इसका मापना कहीं भी किसी भी देश में पूरे वर्ल्ड में होगा तो मुझे इन्हीं सब एसआई यूनिट का यूज करना है। थैंक यू।